ये देखिए यम्मी सी रेसिपी लेकर आए हैं, बताइए कैसी लग रही है। साग की रेसिपी है ये, सरसों के साग की। तो वीडियो पर आ जाइए, आपको इसकी देते हैं रेसिपी मेरे चैनल पर। इसकी रेसिपी आप लोग देखिए, मेरे वीडियो पर आइए, मेरे किचन में आइए, आपको इसकी यम्मी सी रेसिपी शेयर करते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कलर। तो आइए आपको इसकी रेसिपी शेयर करते हैं, आ जाइए मेरे किचन में। तो ये देखिए उबल गया है साग पूरी तरीके से, उबल कर ठंडा हो गया है। अब इसको पीस लेंगे, रख दिया था ठंडा होने के लिए। इसको मिक्सर में पीसेंगे और करेंगे आगे की तैयारी। तो साग को पीसने से पहले पीसेंगे ये इतने लहसुन 8-10, 3-4 मिर्ची और ये इतनी अदरक। आपको तीखा जितना चाहिए आप तीखा उस हिसाब से रखिए। तो इसको पीसेंगे पहले, उसके बाद पीसेंगे ये दो बड़े टमाटर हैं, इनको पीस लेंगे, कट करके रखा है। तो उसके बाद साग को पीसेंगे। तो कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच बेसन। इसको सूखा भुनेंगे सिर्फ ऐसे ही, बिना तेल का, बिना उसका गोल्डन कलर आ जाएगा, महक आने लगेगी, तो बंद कर देंगे। तो देखिए भुन गया, बस निकाल लेंगे बेसन को। अब इसे कढ़ाई में डाल देंगे राई का तेल, राई के तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तेल को गर्म होने देंगे, तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे 2 स्टिक दालचीनी और ये 2 छोटी हरी इलायची, 2 लौंग। अब डाल देंगे इसमें ये 2 बड़े प्याज कट करके रखे थे, डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब जीरा। प्याज देखिए गोल्डन हो गई है, अब इसमें डाल देंगे पिसा हुआ टमाटर। इसी में प्याज में टमाटर में ये अदरक लहसुन भी पीस लिया था, और इसको भी थोड़ा देर तक पकाएंगे। तो डालेंगे आगे का सामान, और इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें जाएगा ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और ये हल्दी। तो इसमें इतना ही मसाला जाएगा, गर्म मसाला, धनिया, जीरा पाउडर, बस इतना ही जाएगा। देखिए पीस लिया है, जिसको डाल लेंगे इसमें, मसाला भून गया है। कलर देखिए कितना अच्छा आया है साग का। अच्छे तरीके से इसमें मिलाएंगे, बढ़िया से चला चला के। अब देखिए साग इतना सूख गया है, अब इसमें डाल देंगे नमक, अब हद से ज़्यादा बन चुका है टेस्ट के अनुसार। नमक डाल के अच्छे से मिलाएंगे, रफ स्टैंड पर डालेंगे ये 3 चम्मच भर के बेसन, अच्छे से मिलाएंगे इसको भी। बेसन डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है साग में। एक चम्मच और डालेंगे भर के, थोड़ा कम लग रहा था। देखिए साग है रेडी, अब इसमें लगाएंगे तड़का।
देखिए तड़कापन रख दिया है और इसमें डाल दिया है घी। घी का तड़का लगाएंगे और ये दो लाल मिर्च, ये इसको बंद कर देंगे। इसमें डाल देंगे तेल एक चम्मच, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये देखिए लगा देंगे तड़का। तो ये देखिए तैयार है परफेक्ट सरसों का साग, सरसों पालक का। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसा बना, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। तो चलिए फिर नई रेसिपी लेकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, फिर आएंगे यम्मी सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।